हैं, जो भी कंपनीज आती हैं टॉप क्लास कंपनीज आती हैं, लाइक स्कॉर्पियो अपने कैंडिडेट्स को तोलानी भेजती है, सिनर्जी तोलानी भेजती है, बीएसएम आती है, डीएनएस में 120 बच्चे होते हैं तोलानी में, अब भले ही टीएमआई साइट होता है, फिर इंस्टीट्यूट वाले ही इंटरव्यू लेते हैं, और मोस्टली इस चीज का बीएससी और बीटेक का इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता है क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा सीट्स होते हैं बीएससी, और आपके पास बहुत पैसा है तभी आप तोलानी में एडमिशन लो। और अगर आप हेलो एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट के बारे में। हाँ, तोलानी को मोस्टली सभी नंबर वन इंस्टीट्यूट क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि तोलानी का प्लेसमेंट 100%, बीएससी प्लेसमेंट 100% लगभग, बीटेक प्लेसमेंट 100%, डीएनएस में जो भी कंपनीज आती हैं टॉप क्लास कंपनीज आती हैं, लाइक स्कॉर्पियो अपने कैंडिडेट्स को तोलानी भेजती है, सिनर्जी तोलानी भेजती है, बीएसएम आती है, उसके बाद से टॉम आती है बट बहुत कम बच्चे लेती है, बट वो भी वहीं आती है, फिर और भी छोटे मोटे कंपनीज आते हैं, वी शिप्स आती है, सो ये सब कंपनीज तोलानी में आते हैं डीएनएस के लिए, और बीएससी के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, सो वो सब ठीक है। बट कोर्सेज क्या है और कौन कौन से रिकमेंड कोर्सेज हैं तोलानी में, इनका प्रोसीजर क्या है, तो इस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप आईएमयूसीटी एंड स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन करना है, क्लासेस चाहिए आईएमयूसीटी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए और आईएमयू मेट के बैच को ज्वाइन कीजिए, हमारा फी बहुत कम है तो फायदा ही होगा। तो चलो वीडियो पे आते हैं। तो तोलानी मोस्टली तीन कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। सबसे पहला है डीएनएस, डीएनएस में 120 बच्चे होते हैं तोलानी में। अब इस 120 बच्चे का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, तो पहले तो तोलानी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें बहुत बच्चे, मतलब लगभग हमको जहाँ तक लगता है पिछले साल 4,000 से 5,000 बच्चे अपीयर हुए होंगे, उसमें से कुछ बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे, उसके बाद से कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है उनको, वो लोग कंपनीज के पास डिटेल्स भेजते हैं, वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, और फिर उनका इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शंस होते हैं। बीएससी और बीटेक के लिए क्या होता है, इंस्टीट्यूट वाले ही टीएमआई साइट होता है, फिर इंस्टीट्यूट वाले ही इंटरव्यू लेते हैं, और मोस्टली इस चीज़ का बीएससी और बीटेक का इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा सीट्स होते हैं बीएससी और बीटेक के लिए। बट हम कभी भी तोलानी को बीएससी या फिर बीटेक के लिए कभी प्रेफर नहीं करते हैं। हमारे आईएमएट के स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, हम लोग उनको अगर पूछते हैं तो हम लोग प्रेफर नहीं करते, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है दो कंडीशन पे, अगर आपके पास बहुत पैसा है तभी आप तोलानी में एडमिशन लो, और अगर आपके पास पैसा है बीएससी के 20 लाख रुपया पे करने के लिए और बीटेक के 25 लाख रुपया पे करने के लिए, 25 लाख नहीं उससे थोड़ा कमी है, उतना पे करने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तब आप तोलानी में एडमिशन ले लो, आपका कैरियर एकदम सिक्योर होगा। अब ऐसा सिक्योर नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, पढ़ना पड़ता है वहाँ पे, नहीं पढ़ेंगे उसके फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, पहला है तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, दूसरा आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि अगर आप लोन ले लेते हैं तो आप जिंदगी भर लोन पे करेंगे, क्योंकि 20 लाख का लोन अगर आप पे करने शुरू किए तो आपको सालों लग जाएगा वो लोन ख़त्म करते करते, ठीक है। सो अगर आप लोन लेके पढ़ना चाहते हैं तब कभी भी तोलानी के बीएससी या फिर बीटेक को प्रेफर नहीं कीजिए, सिंपल सा आईएमयू कैंपस के लिए चले जाइए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो तोलानी बेस्ट है, आप चले जाइए, प्लेसमेंट गारंटीड हो जाता है वहाँ पे, मतलब गारंटी ही समझो, इतना अच्छा अच्छा कंपनी आता है और मोस्टली हो ही जाता है। डीएनएस में क्या है, डीएनएस में तो आपका स्पॉन्सरशिप लेने पे है, अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो फिर आपका हो जाएगा। अब बहुत लोगों का डाउट आता है कि हम डीएनएस और बीएससी के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो, बीएससी का भी फॉर्म भर सकते हो, डीएनएस का भी भरते हो, मोस्टली तो भरते ही हैं, पता नहीं इस बार का क्या है, इस बार का हम फॉर्म उतना देखे भी नहीं, बस उनको पता चला कि हाँ तोलानी का फॉर्म आ गया तो सोचे बना देते हैं वीडियो, चलो। और बस यही है, अगर तोलानी मिलता है डीएनएस के लिए, अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी तो चले जाओ। और एक चीज़ याद रखो, मैटर नहीं करता तुम्हारा पीसीएम कितना है, सर मेरा पीसीएम 62% है, मैं फॉर्म फिल करूँ, मेरा 90% है फॉर्म फिल करूँ, तुम अगर एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। थोड़ा सा पैसे के लिए भी ये मत जाओ कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, अगर 1% भी चांस है तुम्हारा सिलेक्शन का तो उस जगह पे फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। 1,000-1,500 रुपया उतने मैटर नहीं करता है करियर के सामने, ठीक है। चलो इसी के साथ रखते हैं, बाकी अगर आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करना है तो आईएमयू में ज्वाइन कर लो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।